झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कॉटन यार्न के दामों में उछाल से लुढ़क रहा निर्यात। जी हां, देश भर में टेक्सटाइल नगरी के नाम से मशहूर हरियाणा के पानीपत जिले में टेक्सटाइल निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह कॉटन और कॉटन यार्न के दामों में बेतहाशा वृद्धि होना है। इतना ही नहीं, अन्य देशों से नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, पुराने ऑर्डर भी रद्द हो रहे हैं। यूरोपियन देशों के बहुत से खरीदारों ने डिलीवरी लेने में देरी की है। निर्यातकों को 4-5 माह बाद माल भेजने के ईमेल भी मिल रहे हैं। पानीपत एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि इस वर्ष रुई के दामों में रिकॉर्ड तेजी है। पहली बार रुई का दाम 330 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचा है। रुई महंगी होने से कॉटन यार्न महंगा पड़ रहा है। आए दिन कॉटन यार्न के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कॉटन यार्न के दाम तेज होने से टेक्सटाइल निर्यात प्रभावित हो रहा है। आने वाले 4-5 महीनों में क्या स्थिति बनती है, इस पर निर्यातकों की नजर लगी है। पिछले वर्ष नवम्बर में रुई के दाम 120 रुपए प्रति किलोग्राम थे, जो 6 महीने बाद वर्तमान में 330 रुपए किलोग्राम तक पहुँच चुके हैं। पहली बार रुई का दाम इतना ऊंचा दर्ज किया गया है। सरकार ने पहले रुई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अप्रैल में विदेश से कपास मंगवाने के लिए आयात ड्यूटी हटा दी। इसका फायदा भी निर्यातकों को नहीं मिला। यार्न के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। पानीपत इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि जनवरी 22 में ड्यूटी हटती है तो आयात हो सकता था। अब तो विदेश में कॉटन महंगा है, 3-4 महीने शिपमेंट आने में लग सकते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के चेयरमैन निर्यातक के मुताबिक टेक्सटाइल निर्यात कम होने का मुख्य कारक कॉटन यार्न के भाव बढ़ना और कंटेनर के भाव दोबारा बढ़ना और कोरोना काल में यूरोप व अमेरिका के स्टोर में स्टॉक लगना है। 2 साल पहले अमेरिका के लिए कंटेनर का भाड़ा $2,500 था, जो कि अब बढ़कर $16,000 तक पहुंच चुका है। महंगाई अधिक होने से विदेशों में ब्रेड बटर को प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही टूरिज्म पर भी जोर दिया जा रहा है, इसीलिए टेक्सटाइल की डिमांड कम है। अब अमेरिका के कारोबारी 3-4 महीने देरी से माल भेजने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में नए ऑर्डर तो मिल नहीं रहे और जो पुराने ऑर्डर है उनकी डिलीवरी भी लेट हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।